नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार चौथे दिन कोविड के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। आज 10,920 नए मामलों की पुष्टि। राज्य मंत्रिमंडल ने मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। वायुसेना का विशेष विमान 147 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर दिल्ली से पटना पहुंचा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में की जाएगी आपूर्ति। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों में पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से कोविड के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर घटकर 10.16% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण के 10,920 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 1,702 संक्रमित पाए गए हैं। समस्तीपुर में 782, पूर्णिया में 579, बेगूसराय में 511, वैशाली में 493, मुजफ्फरपुर में 452, पूर्वी चंपारण में 442, मधुबनी में 435 और औरंगाबाद में 430 मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 1,05,103 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं 15,800 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी गई। स्वस्थ होने की दर 81.97% है। अब तक 4,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में एक दिन में कोविड संक्रमण से 176 लोगों की मौत की खबर है। मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में कोविड के मुफ्त टीके की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं नियोजित शिक्षकों के 2 महीने के वेतन भुगतान के लिए 1,716 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में अब तक 81,81,939 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,24,748 लोगों को कोविड के टीके दिए गए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 60,615 लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहीं 45 वर्ष से ऊपर के 20,349 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 41,900 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 17,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में केंद्र बनाया जा रहा है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि इस आयु वर्ग के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए अलग टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल और कॉलेजों में आवश्यक सुविधाएं तत्काल बहाल करें। प्रदेश में बिना फोटो युक्त पहचान पत्र वाले लोगों का भी कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि साधु, सन्यासी, कैदी, मानसिक रोगी, भिखारी तथा वृद्धाश्रम और पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोगों के साथ साथ अन्य चयनित योग्य लाभार्थियों को टीके लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीके दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज के लिए प्राथमिकता दी जाए। वायुसेना के विशेष विमान से आज 147 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली से पटना पहुंचा।
इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज सुबह पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत मंदिरी मोहल्ला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सांसद के खिलाफ पटना के पीएमसीएच में सरकारी कार्य में बाधा डालने और कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में पीरबहोर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि श्री यादव पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अपने समर्थकों के साथ जाकर वहां कोविड के इलाज की स्थिति की जानकारी ले रहे थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पशु तथा मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को असंवेदनशील करार दिया है। श्री मांझी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि न्यायिक जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड संक्रमण 5G टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कई सोशल मीडिया मंचों से भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण के कारण आई है। मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं। मंत्रालय ने लोगों को ऐसी गुमराह करने वाली खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 5G टेक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा 5G नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक। अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ। देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान। देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य भर में 1106 वाहनों को जब्त किया गया, साथ ही वाहन चालकों से 23,83,000 से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। वहीं बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों से 1,83,000 से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गई। बक्सर में गंगा नदी में बहकर आए शवों की कोविड-19 और DNA जांच के लिए नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जिलाधिकारी आमन समीर ने बताया कि चौसा प्रखंड स्थित महादेवा शमशान घाट पर बीते मध्य रात्रि में ही सभी 71 शवों को दफना दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गंगा, ठोरा और कर्मनाशा नदियों में सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने बक्सर में गंगा किनारे शवों का ढेर मिलने के मामले में चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शवों का इस तरह गंगा में बहाया जाना गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए चिंताजनक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर अंजन त्रिखा का कहना है कि कोविड संक्रमण की पुष्टि के बाद आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है, इससे महामारी को फैलने से प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। जैसे ही वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है आपको अपने आप को आइसोलेट करना। आइसोलेशन का मतलब है कि आपको दूसरे लोगों से ना बात करनी है ज्यादा, उनसे दूरी रखनी है, ना इकट्ठा खाना खाना है। आपको एक कमरे में अलग से रखें और अपना बाथरूम भी अलग कर लें, आपके खाने के बर्तन वगैरह अलग हो जाएं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डिस्पोजेबल खाने के बर्तन में खाना खाएं। कोविड महामारी के समय समाजसेवी आगे आकर कई प्रकार से मदद कर रहे हैं।
औरंगाबाद जिले के वारुण के समाजसेवी चंदन कुमार भी पिछले 15 दिनों से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जान बचा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि औरंगाबाद के अलावा रोहतास के डिहरी से भी लोग मदद के लिए उनके पास आते हैं, और खासकर वैसे मरीजों को जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है और डॉक्टर्स उनको घर पे रह के ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का सुझाव दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं। हम लोगों ने एक पहल नाम करके संस्था बनाई है कोरोना काल में ही, और हैंड्स ऑफ चंदन कुमार का गठन किया है, और उस बैनर पे सदस्यों का भी नाम और नंबर हम लोगों ने दिया है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना दिया है, उस ग्रुप पे भी मैसेज आते हैं, सदस्यों के पास फोन आते हैं। श्री कुमार ने बताया कि जिनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं है उन्हें वे अपने वाहन से मदद पहुंचाते हैं। 12 सिलेंडर हम लोगों ने ले रखा है तो भर के हम लोग रखते हैं, जिनके पास कहीं सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है उन्हें हम लोग ये सिलेंडर मुहैया कराते हैं, और जो पहले से अपने पास सिलेंडर रखे हुए हैं और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें हम लोग ऑक्सीजन भर्ती करा करके और उपलब्ध करा देते हैं, और यदि उनके पास वाहन नहीं है तो अपने गाड़ी से उन तक हम लोग पहुंचाते भी हैं, और जिन मरीज के पास से फ्री हो जाता है उसे हम लोग ले भी आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद स्वयं को दिल्ली स्थित आवास पर आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद आरटीपीसीआर जांच कराई गई है, इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और पटोरी में 15 दिनों के भीतर नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित हो जाएंगे। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने के मामले में 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान के पिता का आज कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया। उनका पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। समस्तीपुर जिले में कोविड संक्रमण के मामले पाए जाने पर 575 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एनटीपीसी बरौनी द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आज बेगूसराय जिले के सिमरिया, मलहीपुर और चकिया में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों में पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। आज सुबह कटिहार, अररिया समेत कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 84 मिलीमीटर बारिश कटिहार में दर्ज की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से कटिहार के कई इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा हो गया। मौसम वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से 17 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक निम्न दबाव की रेखा राजस्थान से आसाम एवं बिहार से होते हुए निचले स्तर से गुजर रही है, जिससे प्री मॉनसून की गतिविधियां 14 मई तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। अर्थात बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। लगातार क्लाउड कवर के परिणाम स्वरूप खासकर उत्तर पूर्वी बिहार में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है। रमजान की 29 तारीख यानी कल 12 मई को ईद का चांद देखे जाने की संभावना है। इसे लेकर विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने लोगों से स्वयं चांद देखने की अपील की है। इधर इमारत शरिया, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अन्य प्रतिष्ठित इस्लामिक संगठनों ने लोगों से कोविड की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार चौथे दिन कोविड के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। आज 10,920 नए मामलों की पुष्टि। राज्य मंत्रिमंडल ने मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। वायुसेना का विशेष विमान 147 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर दिल्ली से पटना पहुंचा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में की जाएगी आपूर्ति। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों में पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
गम।